मन पर्यो खाना कस्तो थियो फ्रेस थियो नमस्ते दोस्तों और फार्म स्टे खुल गया है 10 बज चुके हैं और इसी साथ आपको देते हैं विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ गेस्ट आए हैं स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग का मज़ा उठा रहे हैं चिलिंग इन द पूल टू बीट द हीट। और यही है आज का व्यू, हल्की फुल्की हवा चल रही है, धूप निकली है, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप छाँव में रहेंगे तो धूप नहीं लगेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखे बैठेंगे, आपको शीतलता और फ्रेश हवा का एहसास होगा। काफ़ी फूल निकल चुके हैं यहाँ पे गेस्ट का धन्यवाद करते हैं हम लोग फॉर नॉट प्लकिंग देम। उस साइड भी है, बहुत सेंटेड अच्छे फ्लावर्स है, इसके जो सेंट है आप लेंगे ना आपका मन खुश हो जाएगा। खुशबू लेते रहिए बट डोंट प्लक देम। यहाँ पे भी साई पत्री लगाया हमने, यहाँ पे भी साई पत्री, मेरी गोल अच्छे से बड़े हो रहे हैं लोग इन फुल फॉर्म। और किचन के चारों ओर हमने लगाया है द गोदावरी द हाईब्रिड वेराइटी, अच्छे से निकल रहे हैं। अभी कुछ मरे हैं 2-4-5 तो, लेकिन बाकी सब ठीक है। देखिए दोस्तों हवा चल रही है ठंडी ठंडी, वहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं पूल में एंड द डे हैज़ बिगन। कत आने लगा था पहले ए कस्तो लाग्यो ठाउँ राम्रो लाग्यो मन पर्यो खानाहरू कस्तो थियो फ्रेस थियो फेरि आउनुहोस् न ल थ्याङ्क यू और दोस्तों कैसे आप सब, मौसम होके रखा खूबी बढ़िया, आफ्टरनून का वक्त है। एक बड़ा सारा ग्रुप आया था और उन्होंने प्राइवेट पार्टी की और चले गए, कैमरा फुटेज नहीं ले पाए क्योंकि उनका कुछ था स्टूडेंट्स वगैरह कुछ, तो बोले कि नहीं लेने के लिए। और कुछ गेस्ट आए हैं खाना पीना कर रहे हैं, कुछ गेस्ट स्विमिंग कर रहे हैं, मौसम होके रखा खूबी बढ़िया बेहतरीन। आ रहे हैं जा रहे हैं और हम भी मज़ा उठा रहे हैं, हा हा हा। यही है अब आफ्टरनून का वक्त बीतते चला है, गेस्ट लोग ने इंजॉय किया डिलीशियस खाना, आज काफ़ी दिनों के बाद आज हमें गेस्ट लोग को सर्व करके मज़ा आया। आज धूप भी नहीं थी, देखिए एकदम बादल से भरा हुआ आकाश, कहीं कहीं आकाश खाली दिख रहा है। और हम दे रहे हैं करीब 4-4:30 बज रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पानी देने में लगेगा 2 घंटा, बज जाएंगे 6:30, हा हा हा। इसलिए जल्दी काम कर दिया स्टार्ट हमने पानी का आज। और ये है मोमेंट्स, घास मारने की दवाई छिड़की थी, देखिए घास सब मर गए, वाह। घास तो क्या बोलेंगे, जंगल था जंगल, और जंगल में क्या होता है, जो फूल होते हैं फिर फूल दिखाई नहीं देते, जंगल ही जंगल होता है। वाह देखिए रास्ते का भी जंगल सब साफ हो गया है, बढ़िया खूब भलो। द घास इज द ऑल गॉन्स एंड अब क्या ना रास्ता था बड़ा हो गया है, अब ये घास होते ना तो घास के कारण क्या लोग इसमें फिर गाड़ी या तो स्कूटी नहीं चला पाते, अब जगह अब रोड बड़ा होने के कारण क्या है लोग आराम से यहाँ पे भी चल सकते हैं। बढ़िया से घास सूख गया है, मज़ा आ गया देख के, इस बार की दवाई कुछ बढ़िया ही थी। घास नहीं सॉरी जंगल, घास तो नीचे छोटे छोटे होते हैं, दिस इज द लिटिल बिगर जंगल्स। इस तरफ भी कल हमने लगाया है बोगनविलिया, अब बोगनविलिया इधर से ऐसे आएगा, ऐसे कवर होगा, इधर से तो आ रहा है ऐसे कवर होगा और एक आर्क गेट बन जाएगा मज़ेदार। वाह म्यूजिक ऑन, इधर भी बोगनविलिया है, ये भी चल रहा है धीरे धीरे। टेंट
अब जो इन्होंने बजा दिया दोबारा म्यूज़िक, हम बगल में नहीं जा पाएंगे, इधर से ही इंजॉय करते हैं। टेन 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 टेन। और दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, लास्ट गेस्ट आए थे और वो भी अब जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे कल मिलेंगे नया दिन नए व्लॉग के साथ और जोश के साथ। वो कल तो नहीं मिलेंगे, कल तो ट्यूसडे, कल तो बंद है फार्म स्टे, आपसे मिलेंगे परसों वेडनेसडे को। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि। और अच्छा था दिन, धूप उतनी नहीं थी, हवा चल रही थी, गेस्ट आए थे खूब, खाना एंजॉय किया, बाइट हमने किसका लिया, कुछ लोग का, कुछ का नहीं ले पाए, कुछ प्राइवेसी इशू था, और ऐसे ही आज का दिन बीत गया। सब जा रहे हैं, फार्म से बंद हो गया, गेस्ट भी जा रहे हैं। और टेंटन एंड दिस वाज द एंड ऑफ द डे, फाइनली वेट कर रहे थे गेस्ट का, खाना पीना बचा हुआ था, खा रहे थे। इसी के साथ पहले बोल चुका हूँ कि दी एंड हो चुका है, लेकिन आज बड़े दिनों के बाद अच्छा लगा, तो सोचा कि थोड़ा और कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग से कुछ बातें करता हूँ। वरना तो ऐसे ही काम में बिज़ी हो जाते थे, दूसरे काम में, फिर ऐसे ही हो जाता था रात को। काफ़ी दिन हो गए शायद मैंने एंडिंग ब्लॉग की एंडिंग नहीं की है, क्योंकि उतना कुछ मार्केट नहीं था, उतने कुछ गेस्ट नहीं थे गर्मी के कारण, फिर उससे पहले बारिश के कारण। और वैसे दिन अच्छा गया, आपकी दुआ है जो हमें आगे लेके जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको बोर नहीं करता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ आज फाइनली। कुछ क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। कैंपिंग हम वेरी शॉर्ट स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ी और अच्छे से हवा चलने लग जाए, मे बी बाई द एंड ऑफ दिस मंथ अक्टूबर। सेप्टेम्बर से स्टार्ट करने का सोच रहे थे, बट गर्मी ज़्यादा थी इसलिए सेप्टेम्बर में ब्लॉग बोल रहा हूँ कैंपिंग स्टार्ट नहीं की। अक्टूबर से फाइनली वी विल स्टार्ट, लेट्स होप दैट दिन अच्छे हो और हवा चलती रहे। चन 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 चन, बाय फ्रेंड्स।